हम बात कर चुके हैं, हम किस तरीके से हमारी जो ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी है उसको बनाते हैं। आगे चलते हैं कि जो ये फॉर्म बनाया है हमने, ये किस तरीके से सबमिट हो रहा है और हमारी जो फील्ड्स हैं वो किस तरीके से क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले देखें तो हम जब ऐड फील्ड करते हैं तो हमारे पास फील्ड्स ऐड होती है, ठीक को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे एक अभी बग चल रहा है कि क्या हो रहा है कि ये दोनों फील्ड अलग है जबकि एक ही रैप में होनी चाहिए, तो इसको आने वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ और भी चीज देखनी है, एक बग और है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो उसको कैसे फिक्स करना है वो भी देखते हैं। अभी देखते हैं कि हम जब ये फील्ड जब ऐड फील्ड करते हैं तो ये फील्ड डायनेमिकली क्रिएट कैसे हो रही है, और ड्रैग एंड ड्रॉप जो आप सीख चुके हो किस तरीके से होता है वो चीज है। नाउ चलते हैं कोड में। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या बनाया था, फॉर्म बनाया था और जो हमारी फील्ड्स है वो यहाँ पे आ रही है। ये डेटा फील्ड्स है जो आ रही है। ये टेक्स्ट इनपुट की बात अभी करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये फील्ड डेटा सेट क्रिएट कैसे हो रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखो ये हमने बटन बना रखा है यहाँ पे, इसको एक बार रैप कर लेते हैं पूरे कोड को। देखो ये हमने क्या बनाया है, यहाँ पे बटन बनाया हुआ है हमारा, एक बटन बटन बेसिस बटन, ठीक है। ये हमारा बटन है जो बनाया हुआ है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ऑन क्लिक पे हमारे पास ऐड फील्ड जो हमारा फंक्शन है वो चलता है। किस तरीके से ऑन क्लिक के ऊपर हम फंक्शन बनाते हैं और ये किस तरीके से चलता है, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो रिएक्ट के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले आपको रिएक्ट को समझना पड़ेगा, उसको सीखना होगा, तब आप ये चीज कर सकते हो। तो जब हमने बनाया ऐड फील्ड तो हमारा ऐड फील्ड फंक्शन यहाँ पे है, या क्या ऑन ऐड फील्ड, ये हमने फंक्शन बनाया। यहाँ पे आए, सबसे पहले हमने की डेटा लिया, यानी जब हमको कुछ फील्ड बनानी है तो उस फील्ड में हमारे पास क्या क्या चीजें रहेंगी हम सबसे पहले वो डिसाइड करेंगे। क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें नेम के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, इनपुट टाइप फील्ड अंडरस्कोर की और फील्ड काउंट रहेगा, यानी जो डायनेमिकली 1 2 3 आ रहा है वो इस फील्ड काउंट की वजह से आ रहा है। ये जो 1 2 3 दिख रहा है आपको, देखो 2 हो गया, तो ये इस फील्ड काउंट की वजह से आ रहा है, ठीक है। फिर उसका टाइप रहेगा, लेबल रहेगा जो 1 2 3 लेबल के साथ दिख रहा है, आईडी रहेगी और उसकी वैल्यू रहेगी, और इनपुट टेक्स्ट, ये क्या चीज है आने वाले वीडियो में बात करते हैं, अभी देख लेते हैं कि हमने ये बना दिया। नाउ अब वैल्यू डेटा, तो जो हमने की बात करी तो वो की तो हमारी ये वाली है, फर्स्ट वाला इनपुट टेक्स्ट, ठीक। नाउ सेकेंड है हमारे पास फील्ड, तो फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड क्या है हमारे पास, वैल्यू वाला, ये वाला फील्ड वैल्यू वाला, ठीक है। और इसकी नीड क्यों हुई, हम क्या कर रहे हैं वो अभी आपको बताते हैं, ठीक है। ये ले लिया हमने, इनपुट टाइप ले लिया, फील्ड ले ली, फील्ड काउंट ले लिया। तो देखो इसको जो हम जितनी भी फील्ड बनाएंगे तो उसकी कुछ चीजें होती है, जैसे कि आईडी, फील्ड का नेम, फील्ड का टाइप या लेबल जो डायनेमिकली चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए ये बनाया हुआ है और इनपुट टेक्स ले रखा है। नाउ क्या किया, ये काउंट कैसे बन रहा है, हमने यहाँ पे ले रखा है सेट फील्ड काउंट और फील्ड डेटा का लिए क्या ले रखा है, सेट फील्ड डेटा, जैसा कि हम रिएक्ट में करते थे। हमने क्या बनाया, यहाँ पे सबसे पहले काउंट को तो 1 से सेट कर दिया और यहाँ पे फील्ड डेटा सेट ले लिया। अब क्या किया, जो हमारी प्रॉप टाइप है यानी जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट है वो कहता है कि आपके पास अगर फील्ड एरे के अंदर है तो आपको क्या करना है, एक ऐसा टाइप स्क्रिप्ट बनाना है, टाइप बनाना है जो कि एरे होगा और उसके अंदर एरे डाल दिया। यहाँ पे ये फील्ड प्रॉप्स बना दिया और ये एरे डाल दिया। अब फील्ड प्रॉप्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या रहेगा, नेम, टाइप, लेबल, आईडी, वैल्यू, इनपुट, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, ये रहे, ठीक। तो हमने ये टाइप बना दिया। नाउ अब क्या किया हमने, यहाँ पे जब हम पहले भी सीख चुके हैं कि जब भी हम सेट फील्ड डेटा करते हैं यानी एरे को कभी अपडेट करते हैं तो डायरेक्टली नहीं करेंगे, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले प्रीवियस लेना होगा, देन करेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि कहीं ना कहीं कोई डेटा मिस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 3 डॉट लगाए, प्रीवियस लिया, एरे बनाया हुआ है यानी प्रीवियस जो पहले हम ऐड कर चुके हैं, उसके बाद की डेटा को ऐड किया हमने और हमारी वैल्यू डेटा को ऐड किया, इन दोनों को ऐड कर दिया हमारे एरे के अंदर, एक। और सेट फील्ड काउंट में क्या किया हमने, जो ये फील्ड काउंट लिया हुआ है ये 1 से डिफॉल्ट सेट है, इसको 1 से इंक्रीज कर दिया। अब क्या हुआ कि जो फील्ड डेटा सेट है इसमें फील्ड इंक्रीज हो जाएंगी, जैसे 1 2 3 करते हो और वो यहाँ पे अपडेट करेंगे, ये देखो, ठीक है। इसी वजह से वो चीजें चलती है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाली जो हमने लिया था वो यहाँ पे लिया। अब यहाँ से
यहाँ क्या किया हमने, फील्ड डेटा सेट लिया, यानी जो हमारे पास लेफ्ट सेक्शन है उसके अंदर जितनी भी फील्ड रहेंगी उसको लिया, डॉट मैप किया, यहाँ पे फील्ड डेटा इंडेक्स ले लिया। अब यहाँ पे क्या लिया, टेक्स्ट इनपुट लिया जो कि हमारा अगेन एक कंपोनेंट है, और कंपोनेंट में हम इनपुट टेक्स्ट पास करते हैं, की डेटा आईडी पास करते हैं, लेबल पास कर रहे हैं, ऑन चेंज कर रहे हैं, ये ऑन चेंज जो करते हैं हम इसकी इंडेक्स और उसकी वैल्यू डालते हैं। ये ऑन चेंज क्या करता है, जैसे इसको चेंज करता है ये लेबल वैल्यू है, इंडेक्स है, ये क्या करता है सारी फील्ड लाता है, जो भी अपडेटेड फील्ड जो हमारा फील्ड डेटा सेट होता है ना वो तो सेम का सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। ये जस्ट क्या करता है कि जितनी भी फील्ड का डेटा सेट होता है उसे एक लाइन में डालता है, उसके इंडेक्स के ऊपर उसकी वैल्यू को अपडेट कर देता है, जो भी आपको चेंज करनी है, इंडेक्स 1 2 3 यानी वैल्यू, जो भी ये वैल्यू होगी जब हम किसी इनपुट फील्ड के अंदर कुछ चेंज करते हैं, यानी जैसे ही हमने इसको किया तो ये ऑन चेंज फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है। ठीक है, तो ये वो वाला ऑन चेंज था, तो ये वो कॉल हो रहा है और उसकी वैल्यू को वो सेट कर रहा है उसकी वैल्यू के अंदर, यानी कहाँ पे, यहाँ पे सेट कर रहा है, ये जो वैल्यू लिया हुआ है हमने जो फ्लैग है इसको वो सेट कर रहा है। ठीक, नाउ अब क्या किया, इस इनपुट टेक्स्ट को हमने यहाँ पे भी लिया हुआ है और यहाँ पे भी लिया हुआ है, जो हमारे पास ये इनपुट फील्ड आती है ये वाली नेम, ये वाली फील्ड है। ठीक है, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो आपको ये दिख जाएगी, देखो इनपुट फील्ड है, ये पेज नेम है, ये जीरो है, ठीक, इस पे कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप जब इसको करोगे की वन वाली को इंस्पेक्ट करोगे तो आपको देखो 1 2 3 ये दिखेगा। ठीक है, तो ये इसको अपडेट कर रहा है। नाउ क्या करते हैं, वापस चलते हैं अपने कोड में, यहाँ पे अब देखते हैं कि टेक्स्ट इनपुट में है क्या, यहाँ पे जब हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ आए, यहाँ पे हमने देखा कि टेक्स्ट इनपुट ये रहा हमारे पास, फंक्शन बनाया हुआ है हमने टेक्स्ट इनपुट का, यहाँ पे क्या बनाया है हमने कि आइकन है वही यूज क्लाइंट वाली साइड है, रिएक्ट है और स्टाइल है, ये इनपुट फील्ड के ऊपर हमारे टाइप्स हैं। ठीक है, प्रॉप टाइप जो है क्लास ड्रैगेबल करना है कि नहीं करना, नेम स्ट्रिंग टाइप आईडी वैल्यूज रेफ इन्फोटेक डिसेबल पॉइंटर इवेंट्स, यानी उसको ये सी एस एस की प्रॉपर्टी अभी बात करेंगे, इसकी नीड कहाँ पे पड़ती है, ऑन चेंज, ऑन चेंज के ऊपर हम क्या लेते हैं कि रिएक्ट डॉट चेंज इवन और एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट ले लिया। ठीक है, क्या हो सकता है, इनपुट एलिमेंट हो सकता है, टेक्स्ट एरिया हो सकता है और सेलेक्ट हो सकता है, जब हम और भी फील्ड बनाएंगे तो उसका नाम भी लिखेंगे। ठीक है, क्या चीज हो रहा है, ऑन चेंज, टाइप क्या है ये, रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट, यानी चेंज के ऊपर करें तो रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट हो रहा है, एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट आ जाता है। फील्ड नेम प्रॉप्स ले लिया, ये चीजें ले ली। नाउ अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम पास क्या क्या कर रहे हैं इनपुट में, यहाँ से हम ड्रैगेबल फॉर्म से क्या क्या पास कर रहे थे वो सारी चीजें देखो यहाँ पे लिखी हुई है, और वो यहाँ हमने लिख दी इसके बीच में डॉट टेक्स्ट इनपुट प्रॉप्स, ये ऊपर हमने डाल रखा है। ठीक है, नाउ जब अंदर आते हैं अब क्या करते हैं, क्लास को ज्वाइन करना होता है। क्लास को ज्वाइन कैसे करते हैं कि हमारे पास एरे के फॉर्म में ये इनपुट रैपर ले रखा है, क्लास का नेम ले लिया, डॉट ज्वाइन कर दिया, किससे, स्पेस से करना था, स्पेस ले लिया। ठीक है, एरे यानी क्लास कोई भी, वहां पे बहुत सारी मल्टीपल क्रिएट हो सकती है, उन सबको ऐड करना है इनपुट फील्ड रैपर के साथ, तो क्लास नेम जो भी वहां पे दिए वो उठा ली, डॉट ज्वाइन करके इससे ले लिया एरे के फॉर्म में। नाउ अब देखो जो ड्रैगेबल वाला हमने यहाँ पे बनाया था ना, ये जो हमने कमेंट कर रखा है, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे भी डाल दिया, ड्रैगेबल है ये लेबल और ये सारी चीज, और डायनेमिक आ रही है। ठीक है, जो हम वहां से पास कर रहे हैं एज अ प्रॉप, तो ये देखो ये ऑन चेंज हो रही है, सब चीजें यहीं पे आ रही है। ठीक, जब ये ऑन चेंज चलता है तो हमारे पास ऑन चेंज का है ये रहा। ठीक, इसका जो रियल है डेटा वो कहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है ऑन चेंज, जो बाहर हम बना रहे हैं ऑन चेंज। ठीक है, ये सेलेक्ट होगा, अगर टाइप मैंने सेलेक्ट लिखा है तो सेलेक्ट आएगा, टेक्स्ट एरिया लिखा तो टेक्स्ट एरिया आएगा, और नहीं तो इनपुट फील्ड आ जाएगा मेरे पास नॉर्मल, और उसकी वैल्यू इधर। ठीक, और ये इन्फो आइकन बनाया, इन्फो आइकन क्या था हमारे पास, चलते हैं यहाँ पे, ये इन्फो आइकन देखोगे ना आपको, ये क्या बना रखा है, एक तरीके से अलर्ट बना रखा है कि इस फील्ड का मतलब क्या है। ठीक है, जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा, क्लिक किया तो क्लोज हो जाएगा, तो जस्ट ये बना रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर है क्या, चलो इसको भी देख लेते हैं, इसके अंदर कंटेंट डाल रखा है, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर क्या कर रखा है, कंटेंट ले रखा है, कंटेंट प्रॉप्स है, सेट को स्टेट कर रहे हैं यानी क्लिक के ऊपर ऑन ऑफ कर रहे हैं, एक डिव बना दिया जिसके अंदर हमने आई ले रखा है, यहाँ पे इस वाले में जो आई आपको दिख रहा है इसकी स्टाइल सेट कर दी, जब इसको क्लिक करते हैं
ये बटन पे ऊपर वाले को जब इसको क्लिक करते हैं तो वो ऑन हो जाता है या ऑफ हो जाता है, उसकी स्टेट सेट होती है, और जो कंटेंट होता है वो हमारा प्रॉप्स के थ्रू आ रहा है। तो इसमें इतना सब होगा। नाउ ये जब चलता है हमारे पास लूप में मैप, तो इसको फील्ड को बनाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीटली तैयार हो जाता है। नाउ सबमिट के लिए क्या करते हैं, ऑन सबमिट के ऊपर इसका यूज करते हैं जेसन फॉर्म डेटा सबमिट विद कॉल बैक। यानी जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारे पास कुछ तो रिस्पॉन्स भी आना चाहिए कि फॉर्म सबमिटेड हो चुका है, तो उसके साथ बनाते हैं। तो इसलिए क्या किया, ये हमारे पास ई लिया, नहीं तो हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। तो हमने ई लिया, ई के अंदर से हमारे पास डेटा यहाँ पे आ जाएगा, और ये फॉर्म मेथड है, ये हमारे पास हम मेथड डायनेमिकली सेट करें, क्योंकि हमारे पास एक एडिट भी करना है मेथड को, यानी पोस्ट भी करना है और साथ में पुट भी करना है, यानी एडिट भी करना है। ठीक है, तो उसके लिए लिया क्लास नेम ले ली, मैसेज डाल दिया यहाँ पे, मैसेज डायनेमिक है, जो इससे आएगा कॉल बैक से मैसेज वो यहाँ पे सेट करा देंगे। ठीक है, और ये इनपुट फील्ड तो ये आएगी। अब इसमें है क्या, पहले इसके पास चलते हैं कि फंक्शन में क्या है। यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिएक्ट डॉट फॉरम इवेंट और एचटीएमएल फॉरम एलिमेंट, यानी जो ई से जो हमारे पास डेटा आ रहा है ना, वो हमारे पास क्या क्या चीजें हमें मिल रही है, यानी रिएक्ट डॉट फॉरम इवेंट और उसके अंदर फॉरम एलिमेंट डाल दिया। मेथड हमने स्ट्रिंग ले लिया जो कि हमने ऊपर यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे देखोगे आप तो ये चेंज हो जाता है, ये देखो पोस्ट, और ये एडिट मोड के लिए और इसके लिए कर रखा है, फुट और पोस्ट बना रखा है। ठीक है, नाउ ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट सबमिट वाला लगाया है कि फॉर्म हमारा पेज लोड नहीं हो, उसके लिए ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाया। ठीक है, अब क्या लिया यहाँ पे, अवेट करा इसको, फंक्शन को देखो एसिंक बनाया है इसलिए बाहर लिया है अवेट, यानी इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। जेसन फॉरम सबमिट किया, इसमें ई जो हमारा फील्ड का डेटा आएगा, मेथड जो हमने चूज किया है, और मैसेज और स्टेटस हम इसके पास से लेके आएंगे वहां से। ठीक है, यानी इसके इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर है जो डेटा आएगा वो यहाँ से लेके आएंगे, और इसको यहाँ पे सेट करा कर गए, यहाँ पे हमने स्टेट्स बना रखी है, और जो प्रीवियस सेट स्टेट है ये देखो ये इसको ये बना दिया। ठीक है, तो मतलब क्या है, जितनी भी हमारी फील्ड्स होंगी उसका डेटा हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं और वैल्यू को ब्लैंक कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस यहाँ पे ये कर रहे हैं, ब्लैंक करना था जो ये काम कर रहा है। नाउ अब क्या कहते हैं कि इस मेथड में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, चलते हैं जेसन फॉरम डेटा सबमिट पे, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आए तो हमारे पास जो हम यहाँ से पास कर रहे थे वही का वही ले लिया हमने, सिंपल यहाँ पे डेटा ले लिया। ठीक है, क्योंकि तो वहां पे खिचड़ी पकाने का कोई मतलब नहीं था, हमने यहाँ पे बना दिया ताकि सेपरेट रहे फंक्शन और हम इसको इजी वे में हैंडल कर सके चीजों को। नाउ मेथड ले लिया, कॉल बैक आंसर ले लिया, जो कॉल बैक जाएगा मैसेज और स्टेटस वो यहाँ पे जाएगा। इस कॉल बैक के अंदर मैसेज और स्ट्रिंग पड़ी है, अगर हमें टाइप स्क्रिप्ट डिफाइन करनी है तो क्या लिखते हैं, कॉल बैक एनोनिमियस फंक्शन बना दो, उस पे आपके दोनों वो लिख दो जो भी पैरामीटर है वो स्ट्रिंग है या किस तरीके की वो मेंशन कर दिया, स्लैश वर्ड कर दिया। इसको वही प्रिवेंट डिफॉल्ट वहां वाला यहाँ पे वापस लिख दिया, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब फॉर्म सबमिट करने के लिए क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट में होता है फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा ई डॉट करंट टारगेट, यानी इसके जितने भी डेटा सबमिट हुआ है ना उसको हमने यहाँ पे ले लिया, फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा ले लिया और ये ले लिया, ये जावास्क्रिप्ट का मेथड होगा। ठीक है, ग्रुप एक मतलब ब्लैंक डेटा बना लिया जहाँ पे हमने ग्रुप डेटा ले लिया। ठीक है, उसका रिकॉर्ड रिकॉर्ड को अगर स्टोर करना होता है तो इस तरीके से हम एरे के रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं, जिसपे क्या किया, आप क्या किया फॉर्म डेटा डॉट फोरिच किया। ठीक, ये की वैल्यू निकाल ली, तो देखो ये जो चीज है ना, ये हम जब कर रहे हैं जब हमारे पास ऑलरेडी वहां पे डेटा है, तो ये एडिट का पार्ट होगा। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको छोड़ते हैं, हम जस्ट नीचे आते हैं, ध्यान रखिएगा ये एडिट का पार्ट है, तो इन चीजों को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, ये जो ऊपर वाला एडिट के बारे में बात करेंगे जब करेंगे। हमने क्या किया, ट्राई कैच किया, इसमें रिक्वेस्ट लगा दी कि भैया अगर एरर होगी तो कॉल बैक के अंदर हम ये वाला डेटा डाल देंगे, स्टेटस और मैसेज, ये तो एरर प्रिंट करा देंगे, और अगर चल जाता है हमारा यहाँ पे कैच में एरर नहीं आती अंदर आ जाता है, तो हमने कंसोल वाला लिख दिया, कॉल बैक लिख लिया उसमें कि कुछ रॉन्ग हुआ है फील्ड के साथ। ठीक, अगर ओके होता है तो देखो 250 जो बनाया है, ये 250 बनाया है, ये हमने अपडेट के लिए बनाया है, तो इसको एक बार छोड़ते हैं, पहले 200 वाला देखते हैं। इसमें देखो रिस्पॉन्स डॉट ओके, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 है, तो हमारे पास सक्सेसफुली सबमिट होगा, उसका हम कॉल बैक में क्या लेते हैं, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली 200 आता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे
देखो अंदर ट्राई के अंदर आके रिस्पॉन्स लेते हैं, फैच करते हैं, ये मेथड हम डायनेमिक लेते हैं, हेडर डालते हैं इसके अंदर, कॉन्टेक्स्ट कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और बॉडी के अंदर जेसन डॉट सिंगिफाई करके वो ग्रुप डेटा डाल देते हैं। जो भी हम डेटा यहाँ से लेके आ रहे हैं ना उसको मतलब एक एरे में कन्वर्ट करके यहाँ पे ला के डेटा को इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एडिट के टाइम किया था, लेकिन अभी क्या हुआ ये इस तरीके से कर, यानी तो क्या हो रहा था हमारा जो डेटा आ रहा था ना एक के अंदर उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल रहे थे, लेकिन एडिट जब किया तो ये चेंज हो गया। क्या किया हमने, की ले ली, ब्लैंक चेक करा लिया पहले कि ब्लैंक है नहीं है, यानी फॉरम में कोई डेटा है कि नहीं, अगर डेटा है तो उसको की में पुश कर देगा वो उसकी वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये कर लिया, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दिया, एरर बना। नाउ अब ये जो फैच किया है नेक्स्ट जेएस में जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट है, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्लाइंट साइड आ गया। नेक्स्ट जेएस में हम कुछ भी चीज अगर फॉर्म को सबमिट करते हैं, कुछ बनाना है हमें, तो वो सर्वर साइड होना चाहिए, फॉर्म तभी सबमिट होगा। अब क्या हुआ, इसके लिए क्या किया हमने, एपीआई का सारा लिया यहाँ पे, फैच स्लैश एपीआई स्लैश जेसन से डेटा ले लिया। ठीक है, ये जो मेथड है सबसे पहले मेथड होता है। अब ये जो एपीआई होता है ना यहाँ पे बनता कैसे, यहाँ पे हम एपीआई का फोल्डर बनाएंगे, ऐसे तो कुछ भी बना सकते हैं लेकिन बेसिकली क्या होता है जो डिफॉल्टली यूज करते हैं वो एपीआई का फोल्डर बनाते हैं। एपीआई फोल्डर के अंदर हमने क्या बनाया, जेसन सेव डेटा, यानी ये वाला, ये हमने फॉर्म एक फोल्डर बना लिया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, राउट डॉट टी एस नाम की फाइल बनाते हैं। जितना भी एपीआई का काम होता है वो राउट डॉट टी एस के अंदर होता है, रिएक्ट 14 के अंदर। ठीक है, नॉट 13, 14 की बात कर रहा हूँ, राउट डॉट टी एस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, नेक्स्ट रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स दिखाने के लिए कि क्या इसका रिस्पॉन्स आएगा, तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश सर्वर ले लिया। फाइल को एडिट करने के लिए सबमिट करने के लिए क्या करते हैं, इम्पोर्ट एफ एस फ्रॉम एफ एस कर लिया, इम्पोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ कर लिया। ठीक है, नाउ ये एडिट का काम है नीचे, इसकी बात नहीं कर रहे अभी हम, इसकी सबमिट की बात कर रहे हैं, पोस्ट की बात कर रहे हैं मेथड की। ठीक है, तो क्या लिखा, एक फाइल के अंदर एक बार ही आपको पोस्ट लिखना है, एक बार ही पुट लिखना है, एक बार ही डिलीट लिखना है, बार बार ये चीजें डिफाइंड नहीं होती है। तो क्या करोगे, एक्सपोर्ट सिंक फंक्शन पोस्ट लेगा, अगर एक से ज्यादा बार की फंक्शनलिटी कुछ चल रही है तो आपको इफ एल्स करके आपको कोई मतलब वेरिएबल पास करना होगा और उससे चेक कराना होगा आप क्या करना चाहते हो। यहाँ क्या किया है, पोस्ट लिया, यहाँ पे रिक्वेस्ट थी और एनी ले लिया, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों होती है, लेकिन रिस्पॉन्स की यहाँ नीड नहीं है मेरे को, तो मैंने रिक्वेस्ट किया और वो एनी टाइप का मैंने ले लिया, रिक्वेस्ट एनी टाइप है। ट्राई कैच लगाया, कैच के अंदर कंसोल की एरर दिखा दी, और रिटर्न में नेक्स्ट रिस्पॉन्स, यानी ये वाला नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन होता है, अगर कुछ मैसेज भेजना है तो पहले मैसेज होता है फिर मैंने उसका स्टेटस। ठीक, नाउ अब क्या किया, फॉर्म जब भी सबमिट होता है यानी पोस्ट के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो क्या होगी, फॉरम डेटा ले लिया मैंने, अवेट, ये जरूरी है कि फॉरम डेटा को क्यों ऐसा, अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन करके मैंने इसका जेसन ले लिया, जो हमने रिक्वेस्ट करी है उसको जेसन फॉर्मेट में ले लिया जो यहां से भेजी है हमने। जो यहां से भेजा है हमने इसके अंदर, ये जो भेजा है हमने ग्रुप डेटा, ये हमने क्या किया हमारे एपीआई के अंदर राउट डॉट टी एस में हमने रिक्वेस्ट डॉट जेसन करके गेट कर लिया, अवेट लगा दिया यहाँ पे, ये ध्यान रखना ये असिंक अवेट का मेथड का यूज होता है। नाउ अब क्या किया, डायरेक्टरी बनानी है तो डायरेक्टरी कैसे निकाला, ये पाथ डॉट ज्वाइन, इस पाथ में क्या होगा, पाथ डॉट ज्वाइन करना है, ये आपको रूट का पाथ देगा, प्रोसेस डॉट सी डब्ल्यू डी एस आर सी अंडर स्कोर डेटा जेसन फॉरम डेटा, यानी एस आर सी अंडर स्कोर डेटा एस आर सी अंडर स्कोर डेटा, यहाँ पे मेरे को ये डेटा चाहिए जेसन की फॉर्म में, मैंने लिखा src underscore data json forum data, तो मेरे को ये यहाँ तक का पाथ दे देगा। ठीक है, पाथ डॉट ज्वाइन प्रोसेस डॉट cwd और src underscore data और json forum data। ठीक है, अगर आपको नोड आती है तो इजी वे में आपको ये याद रहेगा। अब क्या किया है, मैंने क्या निकाला, जो मेरा डेटा आया उसके अंदर से पेज नेम निकाल लिया मैंने, यानी मेरे पास जो अदर जो ऑब्जेक्ट आ रहा था उसके अंदर से पेज नेम निकालना था, तो मैंने पेज नेम करके यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि मेरे को क्या करनी, इसी नाम से फाइल बनानी है, तो मैंने क्या किया फॉरम डेटा डॉट पेज नेम जीरो ले लिया। ठीक है, की आ गई। अब फाइल में क्या चेंज होंगे, मेरे को क्या करना है, जो मेरा फाइल का जो मतलब ये जो नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो मैं नाम लिखूंगा यहाँ पे, सपोज करो मैंने ये लिखा और फिर स्पेस लेके कुछ दे दिया ये, तो मेरे को ये सारे स्पेस हटाने हैं। फाइल का नेम बनाना ही इस तरीके से है कि मैं क्या आऊंगा, यहाँ फाइल का नेम लूंगा, डॉट स्प्लिट करा, स्पेस को उड़ाया और ज्वाइन किससे कर दिया, अंडरस्कोर से कर दिया। ठीक, और फिर मैंने वापस से पाथ डॉट ज्वाइन करके फाइल का पाथ बना लिया इस तरीके से, डॉट जेसन,
यानी ये जो मेरी फाइल बनी है ये इस नाम से बन जाएगा। फाइल पाथ आ गया। अब क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने ऊपर टॉप पे एफ एस लिया, ये फाइल हैंडलिंग के लिए यूज किया, एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, ये यूज करते हैं फाइल को राइट करने के लिए, राइटिंग परमिशन के लिए होती है, एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, इसमें फाइल का पाथ देते हैं, देन जो हमें डेटा होता है वो डाल देते हैं। ठीक है, इसमें जो फॉरम डेटा आया इसमें सेकंड वाला नल होता है और ये हमेशा टू रहता है, ये दो याद रख लो, नल और टू ही रहेगा, इसमें फॉरम डेटा हमें ये डालना है। ठीक है, इसका भी रीजन है, वो आने वाली वीडियो में बात करेंगे जब हम नोड की बात करेंगे। ठीक है, अभी क्या लिया हमने, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफायर ये लिया, फॉरम डेटा नल और टू ले लिया। ठीक, नाउ जैसे ही अब इसको हम करेंगे, अगर ये सबमिट हो जाता है, ये अगर चल जाता है तो मेरे पास क्या होगा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज में आया कि डेटा सक्सेसफुल है, 200 आ जाएगा और फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। मैंने अभी तक क्या किया कि मेरे को क्या करना था, जब मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो मेरे को फाइल क्रिएट करनी थी पेज नेम से, जिसमें एंटर खोला होगा यहाँ पे फाइल क्रिएट होता है, वो क्रिएट हो जाएगी। तो सपोज करो मैंने जो डेटा भेजा होगा वो कैसे क्रिएट हुआ होगा, देखो क्या आएगा, इनपुट फाइल का नेम आ गया, अंडरस्कोर वन था, उसकी फील्ड का नेम आ गया, वैल्यू अंडरस्कोर वन करके थी, उसमें क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, मैंने की जो लिखी वो ये आ गई, इनपुट फील्ड में टू में टेक्स्ट एरिया लिख दिया था और उसकी की में मैंने एफ 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 लिख दिया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्म सबमिट है वो काम करेगा। तो चेक कर लेते हैं कैसे किया, एक फाइल बना के देख लेते हैं हम यहाँ पे, टेस्ट फॉर्म डेटा इसमें लिख देते हैं सब। ठीक है, यहाँ पे फील्ड वन की वैल्यू है, मैं यहाँ पे की ले लेता हूँ, उसको ओपन ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फील्ड सबमिट वन। ठीक, इसको मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट टाइप का रहेगा, की ले लेता हूँ मैं यहाँ पे टू, की का नाम यहाँ पे रहेगा अपना टेस्ट टू की। ठीक है, और ये रहेगा यहाँ पे फील्ड और इसका नाम ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टाइप दे देते हैं कि ये रहेगा, इसको सबमिट करते हैं, जैसे सबमिट किया हमारे पास रिस्पॉन्स आया, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। नाउ अब क्या करते हैं, हमारे फोल्डर में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे ये जो हमारा डेटा था अंडरस्कोर फॉरम डेटा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखते हैं कि फॉर्म ये रहा, ये टेस्ट फॉरम डेटा सबमिट लिखा हुआ है डॉट जेसन नाम की जो हमने फाइल की थी, कि हमने बनाई थी फील्ड सबमिट वन, इसका पेज नेम हमने ये लिखा था, इसका फील्ड टाइप था वन वाले का, जो वन की थी उसका फील्ड टाइप था टेक्स्ट और फील्ड टू टाइप का नाम था टेस्ट टू की, और इसका जो वैल्यू है वो थी हमारे पास टेक्स्ट एरिया जो हमने लिया था वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। नाउ अब क्या हुआ, हम देख लें, इसके बाद देखेंगे हम लिस्टिंग कैसे क्रिएट होती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।